हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसा कंटेंट आइडिया लेकर आया हूँ जिस कंटेंट आइडिया को अगर आप फेसबुक के लिए इम्प्लीमेंट करते हो तो रातों रात वायरल आप हो सकते हो। कैपेबिलिटी है उस कंटेंट में आपको रातों रात वायरल करने की। आपके फेसबुक पेज के 5000 फॉलोअर एंड 60,000 मिनट रातों रात कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी उन वीडियोज के अंदर है जो वीडियोज कॉन्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। बने बनाए वीडियोज है, आपको सिंपली कॉपी पेस्ट मेथड से उन वीडियोज को हल्का सा एडिट करके अपने न्यू बने हुए फेसबुक पेज के ऊपर डालना है एंड वहां से मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग को शुरू कर देना है। सो कैसे करना है, इस पूरी प्रोसेस को इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वाटरमार्क भी कैसे हटाना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप करके देखने की गलती मत करिएगा, अन्यथा फिर नीचे कमेंट आएंगे कि वाटरमार्क को कैसे हटाएं। सो वाटरमार्क भी कैसे हटाना है वो भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके सारे सवाल जो है इसी वीडियो के अंदर पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग ऑफ कोर्स घर बैठे बैठे शुरू कर सकते हो अपने ओरिजिनल कंटेंट से भी एंड कॉपी पेस्ट कंटेंट से भी। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। सो दोस्तों, करंटली आप जो पेज देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे वो कैनवा का पेज है एंड ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली आप मोबाइल फोन में ऐप के थ्रू भी चला सकते हो, डेस्कटॉप मोड में वेबसाइट भी चला सकते हो एंड लैपटॉप में तो आप यूज कर ही सकते हो। बाकी ये जो पूरे मेथड में आपको बताने वाला हूँ इसको 100% आप अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट कर सकते हो, इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है। यानी कि देखिए, हमें सिर्फ 3 पेजेज की जरूरत पड़ेगी, एक जो कि आपके फोन में फेसबुक एप्लीकेशन पहले से होगा ही, सेकंड आप प्ले स्टोर से कैनवा को डाउनलोड कर लोगे, थर्ड आपको एक गूगल की जरूरत पड़ेगी जो कि आई थिंक आपके फोन में होगा ही। सो अब हम गूगल से उस कॉन्टेंट को फाइंड आउट कर देते हैं जिस कॉन्टेंट के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको लिखना है चेयर चैट कॉमेडी वीडियो। सो चेयर चैट कॉमेडी आप जब लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे काफी सारे पेजेज मिल जाएंगे जिनके ऊपर आपको काफी ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, जिन्हें आप वन क्लिक में डाउनलोड करके कैनवा के ऊपर ले जाके उनको एडिट कर सकते हो। उसके बाद उसको मैं आपको फेसबुक के ऊपर अपलोड करना भी सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखिए, फुल कॉमेडी वीडियो ये पहला लिंक यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है, इस लिंक को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। जब मैं लिंक को ओपन कर दूंगा तो ये इंटरफेस मेरे सामने आएगा, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे काफी वीडियोज अवेलेबल है, छोटे छोटे वीडियोज है जिनको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे जो है हमें दे रखा है। चेयर चैट की यही बात मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि यहाँ पे आप बिना लॉग इन किए, बिना ईमेल आईडी, बिना मोबाइल नंबर डाले किसी भी वीडियो को डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मान लीजिए यही वीडियो आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे सिर्फ आपको क्लिक करना होगा। ये वीडियो अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैंने इस वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, इस आइकन पे क्लिक करके जस्ट कुछ ही सेकंड में ये वीडियो जो है डाउनलोड हो चुका है हमारे सिस्टम में। इसी तरह यहाँ पे जितने भी वीडियोज आप डाउनलोड करना चाहते हो, जो भी वीडियोज आप डाउनलोड करना चाहते हो, उनको यहाँ पे वन क्लिक में आप डाउनलोड कर लोगे एंड उनको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको उनको एडिट करना होगा। तो इस टाइप से आपको फनी कंटेंट को ऑनलाइन इंटरनेट पे फाइंड आउट करना है। एक बार जब आप कंटेंट को फाइंड आउट कर दोगे तो इस पेज को आप हटा सकते हो, क्योंकि अब आपको उस पेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अब आपको जरूरत है कैनवा की। और कैनवा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने मोबाइल फोन में कैनवा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर डेस्कटॉप मोड में अपना मोबाइल जो है एक्टिव करिए गूगल क्रोम एंड वहां पे डेस्कटॉप मोड ओपन करिए एंड canva.com के ऊपर आइए। यहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक वीडियो, ताकि आपको फेसबुक वीडियो की साइज का टेम्पलेट मिल जाए। सो देखिए, फेसबुक वीडियो जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे हजारों बनी बनाई टेम्पलेट मेरे सामने आ चुकी है। मैं इनमें से ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, देखिए क्रिएट ब्लैंक, क्योंकि हमारे पास बनी बनाई वीडियोज ऑलरेडी है जिनको एडिट ही करना है। सो हमें सिर्फ यहाँ पे एक ब्लैंक टेम्पलेट चाहिए उस वीडियो को एडिट करने के लिए। तो हमने ब्लैंक टेम्पलेट ले लिए। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपको वीडियो का ऑप्शन शो हो रहा है। सो इस वीडियो के ऊपर आपको उन वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है जो अभी आपने डाउनलोड किए।
अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाके इन सभी वीडियोज को अपने सिस्टम से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एंड एक बार आपका ये कंटेंट यहाँ पे अपलोड हो जाए, इनको आप इजीली एडिट कर सकते हो। लाइक ये वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे एडिट करके आपके सामने बता देता हूँ। सो ध्यान से देखिएगा कि कैसे इनको एडिट करना है। करंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चेयर चैट का लोगो आ रहा है, अपर साइड में भी एंड लोअर साइड में भी ये आएगा। सो देखिए वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए टॉप पे ये चेयर सेट का लोगो लगा हुआ है। तो इसको आप कैसे हटाएंगे, इसको ऐसे यहां से क्रॉप करके हटा देना है। एंड हटाने के बाद आप इसको अगेन लॉन्ग कर सकते हो। अब देखिए नीचे से भी हमें इसको हटाना होगा। देखिए ध्यान से, अब तक तो नीचे की साइड में कोई भी लोगो हमें देखने को नहीं मिला है, बट हो सकता है कि ये आगे हमें देखने को मिले, राइट। सो कोई भी लोगो हमें नीचे की साइड में देखने को नहीं मिला था, लेकिन बैक में हमें जिल्ली का लोगो देखने को मिला है। सो इसको भी अपन यहाँ से हटा देंगे। कैसे हटाना है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वीडियो को पूरा टाइमलाइन है जो नीचे चल रहा है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस सीन के बाद जो है वो जिल्ली का लोगो आने वाला है। तो उसको अपन यहाँ से कट कर देते हैं और ये हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार है। इसको आप एडिट कर देंगे अपने हिसाब से, जो भी एडिटिंग फॉर्मेट आप इसमें यूज करना चाहते हैं। एंड बैकग्राउंड में जो भी कलर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। लाइक ब्लैक अगर आपको डालना है, कोई रंगीन कलर डालना है, जो भी आपको टेम्पलेट डालनी है वो आप अपने हिसाब से उसको सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन अगर आपको डालना है तो एनिमेशन भी आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। सो ये कुछ इस टाइप से वीडियो जो है आपके सामने यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे मैं आपको वीडियो की वॉइस भी जो है ओके करके बता रहा हूं। विनय एडिट करके यहां पे आप देख पा रहे हो, ये वीडियो आपका पूरी तरह से तैयार है। इसको सिंपली आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए ना तो कोई वॉटरमार्क है इस पे, और इसकी साइज भी फेसबुक वीडियो की साइज के बराबर की हो चुकी है। यानी कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर डालोगे तो ये एकदम परफेक्टली वर्क करने लगेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके अलावा YouTube के अल्गोरिथम को ये चीज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि इस वीडियो की जो साइज है वो बिल्कुल Facebook वीडियो साइज की तरह है, यानी कि ये Facebook के अल्गोरिथम के अंदर एकदम परफेक्टली फिट बैठेगा। यानी कि आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप किसी अदर प्लेटफॉर्म का वीडियो YouTube पे डालोगे या Facebook पे डालोगे तो Facebook को ये चीज पता चल जाएगी कि ये जो वीडियो का फॉर्मेट है ये हमारे वीडियो फॉर्मेट जैसा नहीं है, यानी कि ये किसी और प्लेटफॉर्म का वीडियो है। सो बेसिकली आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे उस वीडियो को अपलोड कर रहे हो, मेक श्योर कर लो कि आप उसी के वीडियो की जो साइज है उसी साइज का वीडियो बना के जो है अपलोड करो। तो ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी लॉन्ग रन के अंदर, राइट। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना ही चाहते हो तो ऑफकोर्स आप लॉन्ग रन तक चाहते हो, ऐसा तो है नहीं कि एक दो महीने कमा के हो गया आपका काम। सो अब देखिए वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको बता दूं फेसबुक पेज का क्या सिस्टम रहता है। यहाँ पे देखिए कुछ पेजेज हमने एग्जांपल प्रस्पेक्टिव से बना के रखे, लाइक वाइज डेंस, हमने आपको डेंस के बारे में भी बताया था कि डेंस के वीडियोज भी आप डाल के पेज को ग्रो कर सकते हो। साथ ही सीरियल के रिगार्डिंग भी कैसे काम करना है आपको, उसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो ला चुका हूँ। और आगे ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट के ऊपर और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आते रहेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे करना कैसे है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मेनू के ऊपर आपको क्लिक करना है अपनी फेसबुक के अंदर लॉगिन होने के बाद। अब देखिए फेसबुक में लॉगिन होने के बाद भी दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप मैनुअली अपनी प्रोफाइल से रील अपलोड कर सकते हो जिसमें कि वायरल होने के चांसेज और भी ज्यादा है। देखिए 25 मिलियन व्यूज आ जाते हैं रील्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इतनी ज्यादा रील्स वायरल हो रही है। वहीं अगर आप चाहते हो तो अपनी प्रोफाइल के अलावा आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हो एंड उस पेज के ऊपर भी जो है अपने रील्स को या अपने वीडियोज को आप पोस्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने मेनू पे क्लिक करके पेज पे क्लिक किया तो ये पेज हमारे सामने ओपन हुआ। अब यहाँ पे आपको अपने पेज का नेम डालना है। अब जो भी नाम डालेंगे वो यहाँ पे प्रोफाइल पे शो होने लगेगा इस पेज की। इसके अलावा आपको अपने पेज की कैटेगरी यहाँ पे डालनी है एंड बायो डालना है, तो आपका पेज इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एंड अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो
तो आप अपनी प्रोफाइल में जाके भी जो है डायरेक्टली यहाँ पे वीडियोज को अपलोड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखिए फोटोज एंड वीडियोज का ऑप्शन है, एक बार ये वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो जाए उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके बता दूंगा। देखिए कैनवा के ऊपर जो अब तक एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे नोटिस की है वो ये कि यहाँ पे वीडियो जितना लेंथी होगा उतना ही डाउनलोडिंग में यहाँ पे टाइम लगेगा। बेसिकली ये जो प्रोसेसिंग होता है उसमें टाइम लगता है, डाउनलोडिंग एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद तो क्विकली वीडियो डाउनलोड हो जाएगा इंटरनेट स्पीड के मुताबिक, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग होती है उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसका भी जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन मैं ले आऊंगा। देखिए यहाँ पे वीडियो डाउनलोडिंग होने लग गया, अभी इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मेन जो टाइम लगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग के अंदर लगा। अभी तो क्विकली ये देखिए आपके सामने सामने वीडियो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो भी चुका है। सो अब क्या करना है, वीडियो डाउनलोड हो चुका है, अब देखिए ऐड फोटोज एंड वीडियोज का ऑप्शन है, इस पर अपन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डायरेक्टली अपने सिस्टम के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ से आप इस वीडियो को अपलोड कर सकते हो। देखिए ये अनटाइटल्ड डिजाइन 7 ये वीडियो हमने अभी क्रिएट किया है, सो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा एंड जो भी यहाँ पे अपने को टाइटल टैग डालना है वो अपन डालेंगे। मैंने बेसिकली ये वीडियो प्ले करके नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता कि ये किस टॉपिक के रिगार्डिंग है, बट ये फनी वीडियो है, कॉमेडी वीडियो है, तो आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से डाल सकते हैं, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे या कुछ भी इस टाइप का जो है आप हैशटैग एंड यूज करिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे पोस्ट ऑडियंस का, ये हमेशा पब्लिक होना चाहिए, इसको फ्रेंड ओनली मी एंड ये सब मत करिएगा, इसको बेसिकली पब्लिक ही रहने दीजिएगा एंड उसके बाद इसको जो है आप यहाँ से पोस्ट कर देंगे तो ये जो वीडियो है आपका फेसबुक के ऊपर पोस्ट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया फेसबुक पे पोस्ट करने के दो तरीके है, एक तो आप अपनी प्रोफाइल से कर सकते हो, दूसरा आप अपना पेज बना के भी कर सकते हो। सो आपको चॉइस करना है कि आप कहाँ से कैसे पोस्ट करोगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो इस टाइप से चीजें जो है वर्कआउट होती है। और रही बात फेसबुक के मोनिटाइजेशन की, तो फेसबुक में मोनिटाइजेशन जो है आपको मिल जाएगा 5000 फॉलोअर एंड 60000 मिनट आपके कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 60000 मिनट मतलब ऐसा समझिए आपकी 1000 हावर्स जब आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। यूट्यूब पे मोनिटाइजेशन के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना पड़ता है, लेकिन फेसबुक पे सिर्फ 1000 घंटे का वॉच टाइम अगर आप पूरा कर देते हो ना तो आप मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन फॉलोअर्स आपको 5000 चाहिए होंगे। ये जो है क्राइटेरिया फेसबुक ने यहाँ पे रखा हुआ है मोनिटाइजेशन के लिए। सो दोस्तों क्या आप भी अपने फेसबुक पेज को मोनिटाइज करवाना चाहते हो, मेक श्योर कि आप हमारी फेसबुक वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, हो सकता है उसमें से कौन सा कंटेंट आपके चैनल को मोनिटाइज करवा दे आप खुद भी नहीं जानते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।